श्लोक संख्या 45, 45, 6.45। सभी के पास भगवद गीता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7वां अध्याय 28वें श्लोक में हुई है। येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवतः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्व से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तभी वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ओम अज्ञाति निरंजस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शीर्षाकान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि असफल योगी पुण्य जन्म के अभ्यास के कारण योग विधि को आत्मसात कर लेता है, है ना, योग विधि को ग्रहण कर लेता है तथा कर्म कांड में उसकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती है, है ना। वो योग विधि का पालन करता है और क्योंकि उसके पूर्व जन्म से वैसे संस्कार, वैसी चेतना उसको प्राप्त होती है। स्मृति नहीं होती है, क्या होती है, चेतना होती है। इसकी चर्चा हमने पूर्व में की है, कुछ उदाहरण साइकिल का उदाहरण दिया था आपको। ऐसा पूर्व में भगवान ने कहा। उसकी रुचि कहाँ पे रहती है, योग शास्त्र में रुचि रहती है, भक्ति में रुचि रहती है, कर्म कांड में रुचि नहीं रहती है। तो अब जब ऐसा पूर्व में बोला गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। फिर अर्जुन बोलने लगे, अर्जुन सोचने लगे मन में, अर्जुन सोचने लगे कि यदि योगी वेदों में दिए हुए कर्म कांड का त्याग करता है, तो जब वेदों में दिए हुए कर्म कांड का जो व्यक्ति को यदि त्याग करता है, तो फिर उसकी गति क्या होनी है, कर्म कांड को त्यागने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है, ऐसा अर्जुन के मन में जिज्ञासा। तो फिर अब उत्तर में भगवान ये श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य प्राप्त करता है, है ना, क्या प्राप्त करता है, परम स्थान। अंत तो गत्वा वो अनेकों अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान संक्षेप में अर्जुन को उत्तर देते हैं। अब जो पहली पंक्ति है, प्रयत्नात् यतमानोतु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अर्थात प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करके पापों से शुद्ध हो जाता है, है ना। जो भी पाप वगैरह पूर्व के हो गए वो सारे क्या हो जाते हैं, शुद्ध निकल जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है। कैसा अभ्यास करता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास, कैसा, कोई भी अभ्यास नहीं करता है, प्रयत्न करता है, प्रामाणिकता के साथ अभ्यास करता है, है ना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में जन्मा पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। योगाभ्यास से वो क्या हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है, अथवा दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है, है ना। जो कार्य पीछे छूट गया है ना, बीच में डेविएशन हो गया, बीच में छूट गया, बीच में ही योगी ने क्या कर दिया, असफलता प्राप्त कर लिया, असफल हो गया बीच में योगी, तो बचा हुआ कार्य पुनः इस प्रकार वो क्या करता है, अभी नेक्स्ट टाइम जब वो आ जाता है, कहाँ आ जाता है, सदाचारी व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, या धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, या पवित्र कुल में जन्म लेता है, और फिर योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से वो क्या हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है। योगाभ्यास भक्तिमय वातावरण से वो क्या हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, और फिर अब इस प्रकार से वो यूज्ड टू होने से फिर क्या करता है, वो दृढ़ संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है, संकल्प करके, है ना, और इस प्रकार वो स्वयं को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है, सारे मटेरियल की इंप्यूरिटी से वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है। किससे शुद्ध कर लेता है, वो संकल्प करके उसमें लग जाता है, और संकल्प से जब वो कार्यरत हो जाता है तो उसके सारे भौतिकता में शुद्धता आ जाती है ना। इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं।
अब प्रभुपाद जी योग की पूर्णता नामक ग्रंथ में क्या लिखते हैं? योग की पूर्णता इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः यह तथ्य है कि योग की पूर्णता की ओर जीवात्मा की प्रगति में योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म एक महान वरदान है ना। यदि कोई योगी करना चाहता है तो उसके उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि योग की पूर्णता की ओर जीवात्मा की प्रगति में योगियों या भक्तों के परिवार में, अर्थात फेवरेबल सिचुएशन में जन्म लेना, भक्ति के अनुकूल परिस्थिति में किसी का जन्म होना, उसको ये कहा गया है कि ये एक महान वरदान है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है, ये बड़ा वरदान है, क्योंकि ऐसा जन्म व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देता है। जन्म से कुछ ही बाल्यावस्था से वो व्यक्ति को इंस्पिरेशंस मिलती रहती, प्रेरणाएं मिलती रहती है, वातावरण से, अपने परिवार से, अपने वातावरण से प्रेरणाएं मिलती है, और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे ऐसा जन्म क्या होता है, वरदान है। कई बार ऐसे भी हमने सुना है, आचार्यगण, भक्तगण, वरिष्ठ वैष्णव कहते हैं कि भक्तों के घर में जो लोग जो जन्म लेते हैं वो कई बार देवी देवता होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं एकदम, उनके घर में जो जन्म लेते हैं वो देवी देवता जन्म लेते हैं, ऐसा बोला गया है। सो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे कि ये एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि उस व्यक्ति को सतत है ना एक विशेष आध्यात्मिक प्रेरणा सतत प्राप्त रहती है, ऑलवेज स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को या इंस्पिरेशन को कंटिन्यूअस मिलते रहता है बाल्यावस्था से। सो यहाँ पे पहला ही जो शब्द आया इस श्लोक में, प्रयत्न का अर्थ बताया गया है, उसके दो तीन अर्थ है। प्रयत्न का एक अर्थ है संगति करना, प्रयत्न करना अर्थात संग करना, एसोसिएशन, क्या एसोसिएशन, अर्थात वो जो योगी है वो योगी उन भक्तों का संगति प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उनसे अधिक एडवांस्ड है, उन्नत है। भक्त क्या करता है, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन या संग प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उनसे एडवांस है। वो योगी ऐसे योगियों का संग प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उनसे एडवांस है, उनसे क्या है, उन्नत है, एडवांस है, उसको कहा गया है प्रयत्नार्थ, है ना, उसके उस प्रयासों को कहा गया है प्रयत्न। सो श्रील प्रभुपाद जी योगपथ नामक ग्रंथ में कहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में संकेत किया है कि प्रगति करना, प्रयास करना अभ्यास पर निर्भर है। प्रगति करना अभ्यास पर निर्भर, आप किस प्रकार का अभ्यास करते हो उसके ऊपर आपकी प्रगति निर्भर है कि नहीं। आप कुछ अभ्यास ही नहीं करेंगे तो प्रगति होगी क्या, नहीं होगी। तो आप अभ्यास कैसा करते हैं आपके अभ्यास के ऊपर आपकी प्रगति निर्भर है। रूपा जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, शिशु यह नहीं जानता कि किस तरह धूम्रपान या मदिरा पीनी चाहिए, परंतु संगति के कारण वह शराबी बन जाता है। छोटा बालक होता है वो नहीं जानता है कि कैसे स्मोकिंग करते हैं, कैसे ड्रिंक करते हैं, वो नहीं समय सब जानता है, तो थोड़ा बड़ा होता है उसको वैसी संगति प्राप्त होती है और संगति के कारण वो शराबी बन जाता है। क्या बन जाता है, शराबी बन जाता है। किसी भी प्रयास में कोई भी प्रयास हो, कोई भी प्रयत्न हो, ये प्रयत्न जो कहा गया वो प्रयत्न नहीं, वो प्रयास में संगति अतिशय महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के प्रयासों में, प्रयत्नों में एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आप किन लोगों के साथ हो, किस प्रकार के लोगों के साथ हो, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन एसोसिएशन किसका है। तो प्रयास में सफलता एसोसिएशन पे भी निर्भर है, संगति पे भी निर्भर है।
कृष्ण भावनामृत में विकास हेतु प्रभुपाद जी कहते आगे, हमने इस्कॉन की स्थापना की है जिसमें कृष्ण चेतना अर्जित करने की विधियां बताई जाती है। प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस्कॉन का पर्पज, वन ऑफ द पर्पज क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हमने कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए, विकसित करने के लिए हमने इस्कॉन की जगह जगह अनेक शहरों में स्थापना की है, जिसमें क्या किया सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, ये सब जगह बताया जाता है। हम हर व्यक्ति को इस संघ में आने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रूपा जी बोल रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, हम हर व्यक्ति को इन्वाइट करते हैं, आइए कीर्तन करिए, प्रवचन सुनिए, कीर्तन करिए, कीर्तन सुनिए, प्रसाद पाइए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम आने तथा हरे कृष्ण करता कीर्तन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह विधि कठिन नहीं है, कठिन है? ऑल आर इनवाइटेड, सब आमंत्रित है, सब पतित हो, कोई भी हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धनी हो, दरिद्री हो, कोई भी हो, कि कहीं से भी हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, इंडियन हो, कोई भी हो, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हम सबको आमंत्रित करते हैं और ये विधि कठिन नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण भावना भावित होने की जो विधि है वो क्या है, वो कठिन नहीं है, आसान है। यहां तक कि बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे छोटे छोटे बच्चे भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कठिन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई भी पूर्व योग्यता या क्वालिफिकेशन आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके किसी को ग्रेजुएट और पीएचडी होने की, इसमें किसी को भी ग्रेजुएट और पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं कि भाई अच्छा कृष्ण कॉन्शियस तो वही व्यक्ति हो सकता है जो ग्रेजुएट है, कृष्ण कॉन्शियस तो वही व्यक्ति हो सकता है जो पीएचडी है, डॉक्टरेट जिसने लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दसवीं फेल, पांचवी पास, अनपढ़ भी आ सकता है। कुछ भी इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबके लिए आमंत्रण है कि वे इस संघ में सम्मिलित हो और कृष्ण भावना भावित बन जाए। सबको आमंत्रित है, सब आ जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी कृष्ण भावना भावित हो जाए। प्रभुपाद जी बोल रहे कृष्ण भावना भावित होना अर्थात भगवान श्री कृष्ण से सीधे जुड़ जाना है, डायरेक्ट कनेक्शन। कृष्ण कॉन्शियस होने का अर्थ क्या है? कृष्ण से डायरेक्ट जुड़ जाना है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना है। ये जो गिफ्ट है, ये जो उपहार है, ये उपहार हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है जो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण से डायरेक्ट जुड़ने का जो गिफ्ट हमको मिला है, जो उपहार हमको दिया है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। यद्यपि इस संघ में प्रवेश लेने वाले अनेक लोगों में योग्यताएं नहीं है, अनेक ऐसे लोग हैं जो इस संघ में, इस कॉल में आए हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, किंतु किंतु संघ के संपर्क में आने मात्र से वे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे हैं। केवल इस कॉल के संपर्क में आने मात्र से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होते जा रहे हैं। कृष्ण भावना भावित होने में उनकी अत्यधिक प्रगति हो रही है। यद्यपि उनकी कोई योग्यता है नहीं, परंतु कृष्ण भावना भावित होते जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। इस युग में आयु अति अल्प है। कलयुग में क्या है आयु? 100 साल है क्या? नहीं है। पहले तो द्वापर युग में कितना था? 1000 ईयर्स। हाँ, अभी 100 भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस युग में आयु अति अल्प है, बहुत कम आयु है, और ऐसी योग विधि जिसमें काफी समय लगे
उससे सामान्य लोग लाभान्वित नहीं होंगे। अब जो योग विधि की बातें हो रही है, पूर्व में हुए भाई आसन ऐसा चाहिए, ये सब चाहिए वगैरह वगैरह, तो योग अभ्यास कोई आसान चीज तो है नहीं। योग विधि बड़ी डिफिकल्ट है और इतनी कठिन विधि है, तो सर्वसाधारण लोग इसको कैसा स्वीकार करेंगे? सर्वसाधारण लोग योग विधि का स्वीकार कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। कलयुग के सारे लोग अत्यधिक अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उन प्राय ज्यादातर उनकी संगति अति बुरी है। कारण क्या है? एसोसिएशन कैसा है? वेरी बैड, बहुत बुरी है। इसलिए इसीलिए दुर्भाग्य है प्राय ज्यादातर लोग। इसलिए श्री कृष्ण से सीधा संपर्क करने की विधि आवश्यक है, और वो विधि क्या है? हरि नाम की, हरि नाम का जप। विधि क्या है? हरि नाम जप, भगवान के नाम का जप। श्री कृष्ण अपने दिव्य नाम के रूप में उपस्थित है और हम उनका नाम सुनकर तुरंत उनके संपर्क में आ जाते हैं। क्या हो जाता है? तुरंत हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। सिर्फ प्रयत्न, इस शब्द का अर्थ हमने बताया था संपर्क में आना, एसोसिएशन। सो हम तुरंत नाम जब सुनते हैं, जब कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, तो सुनने से क्या हो जाता है? किसके संपर्क में आ जाते हैं? जिसका नाम उच्चारण कर रहे हैं उसके संपर्क में आ जाते हैं। किसका नाम उच्चारण कर रहे? कृष्ण का। तो कृष्ण के संपर्क में सीधे आ जाते हैं। श्री कृष्ण के नाम के श्रवण मात्र से हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बताया है संपर्क एसोसिएशन संगति का अर्थ, और संपर्क एसोसिएशन संगति अर्थात प्रयत्न। पहला जो प्रयत्न का अर्थ हम बताया गया है, प्रयत्न का अर्थ है संगति करना, और संगति किसकी करना, तो इसके विषय में प्रभुपाद जी ने योगपत नामक ग्रंथ में बहुत ही सुंदर सरल भाषा में बताया। कुछ डिफिकल्ट लगा आपको सुनने में? कितना सरल है, कितना सरल है। सीधी विधि, सरल, सीधा, सीधा मार्ग है, सरल विधि है, सीधा कनेक्शन है, सीधा संपर्क है। इसी को प्रयास कहते हैं, इसी को प्रयत्नार्थ कहते हैं। सो कई बार इसके ऊपर चर्चा होती है, हमारे साथ पूर्व में कुछ वर्ष पहले किसी ने डिबेट भी किया था इस पे। ये सब बोलते हैं भगवान का एक बार नाम ले लो सारे पाप मिट जाते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे हमारे सामने बैठा था, बहुत पोलाइटली प्रश्न पूछा, गुरु जी ये बात मेरे को समझ में नहीं आया। कई बार हमने सुना चर्चा होती है, आपने भी, मैं कुछ नाम के ऊपर चर्चा हो रही थी, आपने भी कहा एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक भगवान का एक नाम क्षय कर देता है। उस समय कभी हमने उदाहरण दिया था अमृत वगैरह का, अमृत का स्पर्श होते से ही व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर हो जाता है ना। हमने ऐसा कहा था, वैसे ही हरिनाम का स्पर्श होते से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, भगवान के संपर्क में चला जाता है, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो मेरे सामने खड़े रहे और बोले प्रभु जी जस्ट एक सेकंड, एक दस सेकंड बोले ना ठीक। उन्हें ऐसे आगमन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहा मुझे भगवान प्राप्त हुए? नहीं भाई, मुझे पता, आपने बोला कृष्ण। नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। तो कैसे ऐसे हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बोले मैं कई बार श्लोक भी पढ़ता हूँ, बहुत बार बहुत सारे प्रवचनों में सुनता हूँ, समझता हूँ, बट ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इसका अर्थ क्या है? अमृत
जब शरीर के संपर्क में आ जाता है ना, पेट में जाता है ना, पेट के संपर्क में आ जाता है, तभी तो हम अमर हो जाते हैं ना। वैसे ही भगवान का नाम जब हमारे मन के संपर्क में आ जाता है, मन को स्पर्श करता है, इसको मन को और अंतःकरण को, इसको अंतःकरण को जब स्पर्श करता है, मन को जब स्पर्श करता है, सुपर स्पीड से कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया था, आ गए थे ना कृष्ण, आ गए थे ना, तो बुलाने का जो चेतना होगा वो क्या लेवल का होगा, कितने क्या लेवल की शुद्धता होगी उस कॉन्शियसनेस में, चेतना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम उच्चारण हम कर रहे हैं, परंतु क्या वो नाम केवल मुख से लिया जा रहा है, मेरे इंद्रियों से ही तो नाम लिया जा रहा है, मेरे जीवा से ही तो केवल नाम लिया जा रहा है, बस क्या वो नाम जिसका उच्चारण कर रहा हूं, क्या वो अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है, कर रहा है क्या? यदि करेगा तो सीधा कृष्ण के साथ कनेक्शन है, सिंपल विधि है। परंतु मन में, चित्त में, बुद्धि में बहुत सारी अशुद्धता भरी पड़ी है, बहुत सारी अशुद्धता भरी पड़ी है, इतनी अशुद्धता भरी पड़ी है कि नाम हम जीवा से तो उच्चारण करते हैं, अंतर तक, हृदय तक नहीं पहुंचता है, स्पर्श नहीं करता है। अमृत को ऐसे शरीर को लगड़ के लगा देंगे तो अमर हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे ना। ऊपरी ऊपरी कितना भी आप जोर जोर से नाम लेंगे, लेकिन अंतकरण से नहीं लेंगे, भावपूर्ण नाम जब नहीं होगा तो फिर वो विधि पूर्ण नहीं होगी। सो इसलिए ये एक पॉइंट क्लियर करना था कि यहाँ कहा गया कि भगवान के नाम के श्रवण मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अर्थात क्या हुआ, हाँ श्रवण तो किया लेकिन अंदर तक जाने दिया क्या उसको? जाने नहीं दिया तो कैसे मुक्त होगा। सो इस प्रकार से प्रयत्न का दूसरा अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न इस शब्द का दूसरा और एक अर्थ है जिसको संकल्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संकल्प। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक योग साधना करके योगी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहां पर प्रयत्न का अर्थ है संकल्प, अर्थात योगी क्या करता है, योगी संकल्प करता है और फिर संकल्प करके वो अपने यत्न प्रयत्न कंटिन्यूस रखता है संकल्पित होकर। तो इसको संकल्प भी उसका अर्थ है। अब प्रभुपाद जी योगपथ नामक ग्रंथ में क्या लिखते हैं, मैंने ज्यादातर योगपथ का रेफरेंस लिया है क्योंकि ध्यान योग ये अध्याय का नाम है और प्रभुपाद जी का छोटा सा ग्रंथ योगपथ भी इसी विषय पे है, तो इसलिए हम उसको रिलेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी योगपथ में क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसा कि भगवद गीता के सातवें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्लोक दिया है तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य किए हैं, क्या किया है, पूर्व जन्म और इस जन्म में पुण्य किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी वो श्लोक लिखा हुआ है ना, सो प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, प्रेमा भक्ति संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा, तो उसी बात को प्रभुपाद जी दृढ़वता, दृढ़वता अर्थात संकल्प करके, दृढ़वता अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं, पुनः एक बार कहता हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा भगवद गीता के सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म का इस जन्म में पुण्य किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं, वो मोहित नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, इल्यूजन में नहीं रहते और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा से तत्पर हो जाते हैं। सो प्रयत्न का दूसरा एक और अर्थ क्या है, संकल्प।
संकल्प पूर्वक दृढ़ रहता अर्थात संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाते हैं, अर्थात प्रयत्न पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा करते हैं। यहां पर बल दिया है कि व्यक्ति को दुविधा से रहित होकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए व्यक्ति को? दृढ़ रहता अर्थात क्या? संकल्पित होना अर्थात क्या? संकल्पित होने का दूसरा अर्थ है दुविधा में नहीं होना। संकल्पित होने का दूसरा अर्थ क्या है? दुविधा में नहीं होना। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति दुविधा रहित होकर कृष्ण भावना भावित होकर पूर्णतः उसमें स्थिर हो जाना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति स्थिर हो जाना चाहिए। क्योंकि क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि मन चंचल है। क्या है? मन चंचल है, अतः दुविधाएं तो आती जाती रहेगी। जब मन चंचल ही है तो दृढ़ता कैसे आएगी पूरी चंचल मन में? चंचल मन में तो दुविधा आती रहेगी, क्या करे क्या न करे, ये करूं कि नहीं करूं, क्लास में छात्र में जाऊं कि नहीं जाऊं, जब करूं कि नहीं करूं, ये दुविधा आती रहेगी। अध्यात्म के संबंध में तो आती ही रहेगी, करूं कि नहीं करूं। तो ये दुविधा क्यों आती है? क्योंकि हमारा मन क्या है? चंचल। मन की चंचलता के कारण दुविधा होती रहती है। व्यक्ति सदैव द्वंद्व में रहता है। किसमें रहता है? द्वंद्व में रहता है कि मैं कृष्ण भावना भावी बनू कि नहीं बनू। ये द्वंद्व में रहता है, फिर थोड़ा अमुक भी कर लेता है, तमुक भी कर लेता है, अनुष्ठान भी कर लेता है, दुनिया भर के बाबा जीओ के चक्कर में भी पड़ जाता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस भी कर लेता है कभी कभी, है ना। तो वो द्वंद्व है, मैं कृष्ण भक्ति करूं कि नहीं करूं, मैं अमुक तमुक करूं और कृष्ण भक्ति भी करूं कि नहीं करूं, ये सब द्वंद्व में रहता है हमेशा। और कभी कभी ये भी सोचता है कृष्ण भावना भावित से अच्छा मैं अपनी चेतना को कोई दूसरे इसमें लगा दू, दूसरे काम में लगा दू, दूसरे अनुष्ठान में लगा दू, दूसरे साधना में लगा दू, कुछ नहीं तो काम में लगा दू, अपने प्रोफेशन में लगा दू। ऐसी भी दुविधा आ जाती है कभी कभी व्यक्ति के अंदर। ऐसे द्वंद में तो हम है ना सदा ही रहेंगे, ये द्वंद में हम सदा ही रहेंगे क्योंकि हमारा मन कैसा है? तो द्वंद हमारे दृढ़ता नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते, संकल्पित नहीं हो सकते क्योंकि मन चंचल है, और मन चंचल है तो हमेशा दुविधा में रहेंगे। परंतु व्यक्ति यदि अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के बल पर अग्रेसर होता है तो उसकी चेतना अथवा संकल्प स्थिर हो जाएगा। संचित कर्म यदि अच्छे है तो जीवन के कोई स्टेज पे कभी ना कभी तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो एक स्थिर हो जाएगा और वह यह निश्चय करेगा कि मैं तो कृष्ण भावना भावित होकर ही रहूंगा। वो निश्चय कर लेगा, वो संकल्प कर लेगा। यदि उसके पूर्व जन्म के कर्म यदि अच्छे है तो वो संकल्प निश्चित कर लेगा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हमें संकल्प करना है। अब एक बार कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लिया, एक बार कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्वीकार कर लिया, एक बार दृढ़ हो गए, नियमों का पालन करने लगे, पापों से थोड़ा सा दूर रहने लगे, पाप नहीं करते हैं, तो प्रभुपाद जी फिर क्या लिखते हैं? फिर कहते हैं अब पाप नहीं करते हैं ना तो पुनः हमको संकल्प करना चाहिए। सारे चार नियमों का पालन करते हैं, सारे पाप छोड़ दिए हैं, तो फिर पुनः हमको संकल्प करना चाहिए। पुनः क्या संकल्प करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आगे से पाप नहीं करूंगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, कृष्ण भावना भावित होने के पश्चात पुनः एक और संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? अब आगे से पाप नहीं करूंगा।
नहीं तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं आधी कप चाय क्या फर्क पड़ता है, है ना, प्याज लहसुन एक हाथ भर क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पाप क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन जो दृढ़ है, जो संकल्पित है, जो प्रयत्न पूर्वक भगवान को सीधा जुड़ना चाहते हैं, वो क्या है, वो उनका वो नित्य संकल्पित रहते हैं। वो संकल्प क्या होता है, आगे पाप नहीं करूंगा, आगे पाप नहीं करूंगा। आगे प्रभुपाद जी योगपद में आगे लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमने इस जीवन में या पूर्व जीवन में कोई पुण्य कर्म किए है या नहीं, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई पूर्व के जन्म में कोई पुण्य कर्म किए है कि नहीं किए है, इस जन्म में पूर्व में कुछ पुण्य कर्म किए है कि नहीं किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरे कृष्ण कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इसके द्वारा तुम तुरंत शुद्ध बन जाओगे। क्या बोल रहे गोपाल जी, ये भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन इतना शुद्ध है कि ये करने से क्या हो जाएगा, तुम तुरंत शुद्ध हो जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका पास्ट क्या है क्या नहीं है। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात गोपाल जी बोल रहे, किंतु हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम आगे अपवित्र कार्यों में, पापी कार्यों में नहीं फंसेंगे। शुद्धिकरण तो हो जाएगा। रूपा जी एक बार फिर कई बार उदाहरण दिए हाथी का, हाथी जंगल में घूमता है, फिर उसको एक बहुत सुंदर सरोवर दिखता है, बोलता है बहुत दिन से ऐसे ही घूम रहा हूं, पूरा शरीर गंदा हो गया, सब मिट्टी मिट्टी सब लगी हुई है, और इतना सुंदर सरोवर है, चलो मैं बहुत अच्छा स्नान कर लेता हूँ। वो सरोवर में जाता है, बहुत बढ़िया स्नान कर लेता, पूरा स्वच्छ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम बहुत फ्रेश लगता है उसको। फिर बाहर निकलता है, बड़ा फ्रेश हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, फिर चलता है अपना जंगल में तो घूमना ही है। घूमते घूमते आगे जाता है, फिर उसको थोड़ा सा कीचड़ दिखता है, वो कीचड़ देखता है, बोलता है अरे ये तो बहुत बढ़िया कीचड़ है। वो बोलता है अभी तो मैं नहाया हूं, इतना तो शुद्ध हो गया हूं, अब थोड़ा सा गंदा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, चलो कीचड़ का थोड़ा आनंद ले लेता हूं। कीचड़ का क्या करता हूं, थोड़ा आनंद ले लेता हूं, क्योंकि अभी तो शुद्ध हो ही गया हूं मैं, थोड़ा बहुत कीचड़ लग गया तो इतना कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, कीचड़ में जाता है और पुनः उसमें। तो प्रभुपाद जी हमको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब चार नियमों का जो पालन हम करते हैं ना, ये चार नियमों के पालन में संकल्पित होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसमें, संकल्पित होना चाहिए। इन चार मूलभूत नियमों का पालन करने से व्यक्ति तुरंत कल्मश रहित हो जाता है, अर्थात कीचड़ रहित हो जाता है। चार नियमों का पालन करने से व्यक्ति तुरंत क्या हो जाता है, कीचड़ रहित, कलमश रहित, शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध होते रहता है। उसके बाद किसी प्रकार की फिर शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं। जो ही व्यक्ति कृष्ण भावना संघ में सम्मिलित होता है तो उसका भौतिक कलमश दूर होता है, तो क्योंकि आते से पहले शुरू हो जाता है क्या, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। तो फिर आते से ही उसका कलमश दूर होना, जो इंप्यूरिटी है उसके अंदर की, मटेरियल इंप्यूरिटी और सटल इंप्यूरिटी, वो सब दूर होना शुरू हो जाता है। किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह फिर से कलमश ग्रस्त न हो, सावधान रहे कि पुनः उन पापों में न फंसे। इसलिए इन नियमों का सावधानी से पालन होना चाहिए। प्रभुपाद जी समझ रहे, प्रयत्नात का अर्थ क्या है, प्रयत्नात का अर्थ है एसोसिएशन, एसोसिएशन संगति, और दूसरा अर्थ क्या है, संकल्प। संकल्प बहुत आवश्यक है, संकल्प व्रत 7.28 में बताया है, दृढ़ व्रता, व्रत को दृढ़ता से करने वाला अर्थात संकल्प करने वाला। तो संकल्प जो करेगा वही कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन कर पाता है। संकल्प करने के लिए पहले हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण क्या होना चाहिए, तो शुद्धिकरण में नियमों का पालन करना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना, है कि नहीं, कि नहीं होना चाहिए,
ऐसे ही कैसे भी कभी भी खाए, कभी भी सोए, 12-1 बजे रात को खा रहे, रात को 2 बजे 1-2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है? ये तो कुत्ता भी करता है, तो कुत्ते बिल्ली के जैसा लाइफ स्टाइल हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि तो डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, रेगुलेटेड लाइफ। मनुष्य है ना, हम मनुष्य तो सारी तरह से प्राणियों से हायर लेवल है, उच्च स्तर है मनुष्य का। क्यों उच्च स्तर मनुष्य का? क्योंकि वो अपना जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकता है। केवल खाना पीना सोना ये सब इसी में पूरा टाइम अस्त व्यस्त नहीं रहता है, वो डिसिप्लिन जीवन जीता है। सो इसलिए ये हो गया प्रयत्नात् यतमानः। और भी इसका अर्थ है कि उसके अंदर जो ऐसा योगी है, जो प्रयत्नात् है, जो प्रयत्न करते रहता है, प्रयत्नात् यतमानः अर्थात वो यत्न करते रहता है, प्रयत्न करते रहता है। पूर्व जन्म से उसका जो भी हुआ है, जहां से उसके आगे का वो फास्ट प्रोग्रेस करता है, एफर्ट्स लेता है, प्रयास करते रहता है। क्यों प्रयास करते रहता है? क्योंकि उसके भीतर आध्यात्म की ओर, भगवान की ओर चलने की उत्कंठा रहती है। क्या रहती है? उसके हृदय के अंदर, उसके भीतर एक बड़ी एक स्पार्क रहता है, एक उत्कंठा रहती है। क्या उत्कंठा रहती है? अध्यात्म की ओर चलना है, भगवान की ओर चलना है, इसके प्रति उत्कंठित रहता है। और ये जो उसके अंदर उत्कंठा है, ये उसके अंदर की जो भगवान को प्राप्ति की अध्यात्म को प्राप्ति की जो तत्परता है, ये डे बाय डे बढ़ती जाती है। क्या होती है? उसी को तो प्रयत्न कहा है। वो डे बाय डे एवरी डे दिन प्रतिदिन वो अपने अंदर जो भगवान प्राप्ति की जो तत्परता या उत्कंठा है, वो दिन ब दिन बढ़ाते जाता है। उसके लिए प्रयासरत रहता है, उसको प्रयत्न कहा है। प्रयत्न उसको कहा है कि जो डिवाइन स्पार्क है मेरे अंदर, जो डिवाइन ट्रांसेंडेंटल डिजायर है, आध्यात्मिक इच्छा है बहुत ज्यादा, उसको मैं क्या करता हूं? दिन प्रतिदिन बढ़ाता हूं। उसको कहा गया है प्रयत्न। और फिर क्योंकि इस प्रकार की उसकी उत्कंठा होती है, तो उसकी विशेषता एक और होती है, वो अपने भक्ति में, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में सजग रहता है। कैसा रहता है? बीच में दिन 24 घंटे में बीच में भूलता नहीं कि वो डिवोटी है। वो पूरा 24 घंटा याद रखता है कि इज अ डिवोटी। सजग रहता है, अपनी साधना में सजग रहता है और भक्ति में सजग रहता है, अलर्ट है। मैंने इसके पहले इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की है, उसको हमने कहा था एक्टिव डिवोशन। क्या कहा था? एक्टिव डिवोशन। आई एम अवेयर, अवेयरनेस है मेरे पास। हम लोगों के पास अवेयरनेस है। कौन सी अवेयरनेस है? कितने बजे होती है अवेयरनेस? 24 आवर्स चाहिए, है ना? 24 आवर्स चाहिए। ये सिम्टम है उत्कंठित या तत्पर जो भक्त होता है, उसका सिम्टम ये है कि ऑलवेज इज अलर्ट, ऑलवेज हमेशा क्या है? सजग रहता है कि वो डिवोटी है, वो साधक है, वो योगी है, कॉन्शियस है, ऑलवेज माइंडफुल है उसके प्रति। उसके आगे शब्द है संशुद्ध किल्बिषः, अर्थात उसके सारे कल्मश शुद्ध हो जाते हैं। संशुद्ध कल्मश अर्थात उसके अंतकरण के सारे दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मान सम्मान की उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है। उसको कभी एक्सपेक्ट नहीं, अरे मेरे को तो उसने हरे कृष्ण ही नहीं बोला, सामने दिखा मंदिर में गेट पे दिखा, कुछ बोला ही नहीं हरे कृष्ण, बड़ा हर्ट हो गया। कभी कभी तो 25 साल पहले कोई शादी में गए थे, उसने अमुक अमुक बोला था, 25 साल तक भी अंदर पड़ा हुआ है घाव, बड़ा गहरा घाव है। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? भक्ति के लक्षण नहीं है। यहां कहा उसके सारे पाप दोष सब नष्ट हो जाते हैं, मान सम्मान की इच्छा उसको कुछ नहीं रहती है।
उसके प्रयत्नों से ही उजागर होता है, जिस प्रकार के वो प्रयास करता है, जिस प्रकार के सिंसियर एफर्ट्स वो लेता है, वो जिस प्रकार से प्रयत्न करते रहता है, उससे ही पता चलता है हमको देखते से ही कि व्यक्ति किस स्तर पे है और इसके कैसे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। उसके वो प्रयत्न जिस स्तर के होते हैं उसी से पता चलता है कि इस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो गए। सिंसियर एफर्ट्स। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति पराम गति। अनेक जन्मों के बाद सफल होकर वह परम गति प्राप्त करता है। अनेक जन्मों के बाद ये शुद्धिकरण की प्रोसेस है प्रभु जी। अनेक जन्म जो बताया गया है ना, अनेक जन्मों के बाद अर्थात दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया है ना। बर्थ आफ्टर बर्थ वो प्यूरिफाई 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 शुद्धिकरण होते जाता है ना। और आपने वाटर फिल्टर देखा है ना, उसमें अलग 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 लेयर होती है। पहला जो पानी जाता है तो वो पहला लेयर में थोड़ा फिल्टर होता है, फिर नेक्स्ट जाता है, फिर और फिल्टर वो वाटर पुनः फिल्टर होता है, फिर वो यूवी वगैरह क्या होता है, ऐसे अनेक उसके फिल्टर लगे रहते हैं, लेयर्स लगे रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये अनेक, यहाँ पे जो कहा गया है क्या शब्द है, कहा गया है अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के बाद संसिद्ध। तो लाइफ आफ्टर लाइफ, तो लाइफ आफ्टर लाइफ में होता क्या है, प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो कैसे होता है, अब हमने देखा, अभी हम पिछले कुछ चार पांच श्लोकों से देख रहे हैं। तो क्या बताया गया, पहला स्टेज पहले बताया था कि पहले मनुष्य जन्म प्राप्त किया, तो मनुष्य जन्म में फिर थोड़े ही प्रयत्न हुए है ना, थोड़े ही प्रयत्न में बाद में असफल हो गया, और थोड़े प्रयत्न हुए तो थोड़े ही प्रयत्न थोड़े ही यत्न करने से उसका कुछ शुद्धिकरण हो गया, थोड़े प्रयत्न किए शुद्धिकरण हो गया। फिर क्या हुआ सेकंड लेवल में, फिर दूसरा टाइप का बताया गया भाई, कोई बहुत लंबा प्रयत्न किया, अंतिम समय तक चला और अंतिम समय में असफल हो गया, अंतिम समय में योग से विचलित हुआ तो फिर वो स्वर्ग में चला गया। देखा ना पूर्व में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो स्वर्ग में क्या होता है, बहुत फैसिलिटी है, बहुत सारे। तो जब स्वर्ग में गया तो क्योंकि वो तो उसको पहले योग का ट्रेनिंग था, पूर्व में योग किया था, स्वर्ग तो प्राप्त किया परंतु वहां के भोगों में अरुचि हो गई। क्या हो गई, अरुचि हो गई, स्वर्गीय भोगों में उसकी अरुचि हो गई। तो अरुचि होने से, स्वर्गीय भोगों में अरुचि होने से पुनः उसकी शुद्धि हो गई, नेक्स्ट लेवल का शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। फिर क्या हुआ, फिर और एक ऑप्शन, एक टाइप बताया गया, एक और टाइप का क्या, वो शुद्ध भक्तों के यहाँ, बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेकर परम प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करता है। अब वो तत्परता पूर्वक जो प्रयत्न करता है, तो तत्परता पूर्वक प्रयत्न करने से उसका शुद्धिकरण होगा। वरना ये सारे टाइप के लोग हमने पहले देखे, जो जल्दी असफल हो जाता है, जो बाद में असफल हो जाता है, फिर वो धनी व्यक्ति के घर पे जाता है, या फिर अच्छे भक्त अच्छे कुल में जन्म लेता है, तो सारे क्या है, ये सब प्रकार शुद्धिकरण के प्रकार है। सबसे पहला मनुष्य जन्म है, थोड़े समय के पश्चात फेल हो गया, योगी भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, परंतु थोड़ा तो संस्कार हुआ तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। कोई बहुत लंबे समय तक, अंतिम समय तक वो योग साधना भक्ति करता है, अंतिम समय में फेल हो जाता है तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है, वो अंतिम समय तक ही साधना करने से शुद्धिकरण हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में गया परंतु नीचे का जो संस्कार था योग सिद्धि का, इसलिए स्वर्ग में जाकर भी उसको भोगों से अरुचि हो गई, तो अरुचि हो या भोग भोग लेता हो समझो रुचि पूर्वक, तो क्या होता है, और अशुद्ध हो जाता है कॉन्शियसनेस, और अशुद्ध हो जाता है, परंतु वहां उसका क्या हो गया, अरुचि हो गई, तो और शुद्ध होगा। पहले पहले शुद्ध हो गया था योग के कारण, साधना के कारण, भक्ति के कारण, अंतिम समय तक तो अच्छा शुद्ध हो गया था,
और ऊपर जाके भी स्वर्ग में जाके भी क्या हुआ, और ऊंची हुई, तो और ऊंची होने का पहले का शुद्धिकरण अब और शुद्ध हो गया। अब क्या हो गया, अब वो फिर धनी व्यक्ति के यहाँ आया या भक्त के घर पे आया, तो धनी व्यक्ति और भक्त के घर पे आने के कारण वो जो भक्ति करने लगा, साधना करने लगा, बड़ा तत्परता से करने लगा, तत्परता से साधना भक्ति का प्रयत्न करने लगा। तो तत्परता से प्रयत्न करने का और उसका नेक्स्ट लेवल का शुद्धिकरण, कितना शुद्धिकरण हुआ। सो इस प्रकार तीन जन्मों में शुद्ध होना ही, यहां पे जो शब्द कहा गया है ना, क्या शब्द है, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में प्यूरिफिकेशन हो गया, तो ऐसा प्यूरिफिकेशन हो जाता है ना। इसको जो ये जो अनेक जन्म संसिद्धि ये शब्द जो बताया गया है ना, यही शब्द हमको परम गति दे सकता है। यही शब्द का अर्थ क्या है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, कंटिन्यूअसली प्यूरिफिकेशन, नित्य शुद्ध होते जा रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ प्यूरिफाई हो रहे हैं, डेली क्या हो रहे हैं, कि अशुद्ध हो रहे हैं, डेली शुद्ध। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या नहीं माना है, डेली 16 राउंड, रोज 16 माला जप भगवान के नाम का रोज, और वो जब यदि अंदर स्पर्श कर ले तो क्या बात है, फिर तो बड़ी है ना। तो प्रभुपाद जी ने 16 माला इसीलिए बोला कि एकाद तो नाम स्पर्श कर लेगा इतना कर लो उसमें एकाद तो नाम स्पर्श कर लेगा। सो ये परम गति का एक विशेष कारण है, यदि हम इसका प्रकार से रोज करते संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, तो हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। सो ऐसे यदि हम देखे इसको समझे, तो मनुष्य अनेक अनेक जन्म लेते रहता है, अनेक अनेक जन्म संसिद्ध होते रहता है, प्यूरिफाई होते रहते हैं। मनुष्य शरीर के पहले, अब यदि वो स्वर्ग वगैरह लोगों में गया है ना, मतलब वाया वाया यहाँ पे आया है, वाया स्वर्ग यदि वो यहाँ पे आया है, जस्ट अभी स्वर्ग में था, अभी आ गया है, इसके पूर्व के जन्म में स्वर्ग था और स्वर्ग से यहाँ पे वो आ गया, तो वहां स्वर्ग में वहां शुभ कर्मों का फल भोगने से उसने क्या किया, वहां गया तो उसको शुभ कर्म का फल मिल गया, तो शुभ कर्मों का फल तो उसने भोग लिया, परंतु उसमें वो अटैच नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ, वहां के भोगों में वो आसक्त नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि उसके जो भी पुण्य से, पुण्य कर्मों से जो भी मोह प्राप्त हो रहा था, भाई पुण्य कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ, स्वर्ग में भोग, तो भोग के पीछे मोह ही तो लगा रहा है ना, मोह ही है ना, तो क्योंकि उसके वहां पे पुण्य कर्म समाप्त हो गए, तो पुण्य कर्म समाप्त हुए तो भोग भी, भोग भी समाप्त हुए तो मोह भी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने जो पुण्य कर्म किए और पुण्य कर्म से पहले स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में जाने से उसका क्या हुआ, पूरा शुद्धिकरण ही हुआ। पुण्य कर्म भी हमको दूषित करते हैं प्रभु, इसका अर्थ ये हो गया ना, पुण्य कर्म करो कहां जाओ, तो वहां क्या करो, मतलब दूषित हो गए, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट मतलब दोष, तो वहां तो बहुत बड़े दोष लग जाते हैं, परंतु उसके पुण्य कर्म वहां पे समाप्त हुए और अब उसका लेकिन कॉन्शियसनेस, जैसा साइकिल का उदाहरण दिया था, कॉन्शियसनेस ऐसी है कि उसको भोगों में रुचि है, तो पुण्यों से वो शुद्ध हो गया, उसके जो भी पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म क्या हो गए, छेदन हो गए, वो समाप्त हो गए, और पुण्य कर्म समाप्त होने से नो भोग, और भोग नहीं है तो चेतना है, चेतना का संस्कार पूर्व का क्या है, भक्ति का है, तो इसलिए वो आगे शुद्ध हो जाता है ना। ऐसे ही मान लो अगर जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है, अब दूसरा एग्जांपल, कोई व्यक्ति नर्क से इधर आ गया ऐसा भी हो सकता है ना, कोई व्यक्ति नर्क से आ गया तो वो नारकीय यात्रा भोग कर आ गया,
तो नरकीय यातना भोगने से उसके उसको नरक प्रापक पाप कहते हैं। जो भी पाप कर्म उसने किए थे वो उसका सब तो भोग भोग लिया उसने, अब सारे पाप कर्म खत्म हो गए, पाप कर्म समाप्त हो गए। अब कॉन्शियसनेस तो ही योगी वाली चेतना तो है, पाप कर्म से कारण नरक चला गया था, कुछ पाप किया होगा नरक से वो पाप कर्म समाप्त हो गई, यातना भोग समाप्त हो गए, परंतु अंदर चेतना वो पूर्व की है। तो फिर वो क्या हो गया, अपने पापों से वो शुद्ध हो गया, पहला पुण्य से शुद्ध हो गया है कि नहीं, पुण्य कर्म से पहला शुद्ध हो गया, दूसरा पाप कर्म से शुद्ध हो गया, पाप कर्म थे उसको मिटा दिया वो शुद्ध हो गया। और यदि तीसरी केस, यदि वो 84 लाख योनियों में गया है तो वहां पापों का फल भोगने से उसके भोग योनि पापों सारे कर्म कट गए और वो शुद्ध हो गया। अनेकों को योनि में जाकर आया, कोई कुत्ता बिल्ली ये सब वगैरह सब, तो वो वहां पे जो भी भोग योनि प्रापक पाप है उसको भोग योनि मिले है कोई भी कोई प्राणी की, तो भोग योनि प्रापक पाप उसके समाप्त हो गए भोग योनि में जाने के कारण, परंतु चेतना तो थी, कुत्ता था बिल्ली था कुछ भी था, भोग था वो, भोग योनि जो प्रापक पाप है वो समाप्त हो गया, लेकिन चेतना चेतना तो थी, तो जो चेतना वो थी वो पुनः प्यूरिफाई हो गई, पुनः शुद्ध हो गई। तो ये भी शुद्धिकरण का एक स्तर है। तो पाप से भी शुद्धिकरण हमको होना है, पाप के पाप से भी हमको मुक्त, सॉरी पुण्य से भी हमको मुक्त होना है, पाप से भी हमको मुक्त होना है और भोग योनि से भी हमको मुक्त होना है। इतना मुक्ति होगा तब शुद्धिकरण होगा। स्वर्ग में गए तो इंद्र की दशा देखो कितनी खतरनाक है। सो हमारी इस मनुष्य जन्म में हमको ये प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य मात्र ही प्रयत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जन्म है कि ये प्रयत्ना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयत्ना प्रयत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है और परम गति को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकता है। कौन? मनुष्य जो बिल्कुल कृपय रहता है वो परम गति को ही प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। भगवान ने हमको मनुष्य बना के क्यों भेज दिया यहां पर, क्यों भेज दिया, क्योंकि मनुष्य जन्म में ये ऐसा एक ही ऐसा योनि है, ऐसा ही जन्म है, ऐसा ही योनि है कि इसमें व्यक्ति स्वयं का कल्याण कर सकता है। और यदि मनुष्य अपने कल्याण का अधिकारी नहीं होता, यदि मनुष्य अपना ही कल्याण स्वयं नहीं कर सकता, ऐसा यदि होता तो फिर भगवान मनुष्य बना के क्यों भेजते हैं? मनुष्य ने हमको मनुष्य भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, क्यों भेजा है? क्योंकि हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कुत्ता कर सकता है अपना कल्याण स्वयं का? नहीं कर सकता, मनुष्य ही कर सकता है। और यदि हमको वो अपना स्वयं का कल्याण करने का अधिकार नहीं होता, मनुष्य को अपना कल्याण करने का कैपेसिटी नहीं होता, अधिकार नहीं होता, तो मनुष्य हमको मनुष्य भगवान को मनुष्य बनाते नहीं। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो, तो भगवान हमको मनुष्य बनाते ही नहीं थे, हमको मनुष्य बनाया तो हमको तो अपना कल्याण करने का अधिकार अर्थात परम गति प्राप्त करने का हमको अधिकार है कि नहीं है? ना है ना, पक्का? सो इसलिए सार रूप में यह है कि जब हमको अधिकार है परम गति प्राप्त करने का, जब हमको अधिकार है भगवत भक्ति प्राप्त करने का, जब हमको अधिकार है भगवान से कनेक्ट होने का, जब हमको अधिकार है संसिद्ध प्यूरिफाई होने का,
तो हम अपने अधिकार को क्यों भूल जाते हैं? ये प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर, है ना। मनुष्य एकमात्र है ऐसा है जो अपना कल्याण करना जानता है। स्वर्ग में जाकर भी कल्याण नहीं होता, नर्क में जाकर भी कल्याण नहीं होता, और तीसरी बात हमने देखी है अनेकों योनियों में जाकर भी कल्याण नहीं हो पाता। कल्याण कहाँ हो पाता है? मनुष्य योनि में। और इसलिए मनुष्य योनि का वो क्या है, राइट है, अधिकार है। मनुष्य का कल्याण, स्वयं का कल्याण करने का अधिकार है, और वो अधिकार यदि नहीं होता तो हम मनुष्य करके नहीं होते। हम मनुष्य करके यहाँ पे हॉल में बैठे हैं, इसका अर्थ है वी आर ऑल ऑथोराइज्ड फॉर व्हाट, परम गति, परम भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए वी आर ऑथोराइज्ड, हमारा वो अधिकार है। और हमारे अधिकार को हम भूल गए, तो इसलिए भगवान ने पहले प्रयत्न करो, अधिकार को मत भूलो, प्रयत्न करो अर्थात क्या करो, संकल्प करो अर्थात दृढ़ता से भक्ति करो। और कैसे करो, एसोसिएशन, अच्छा संघ प्राप्त करो, अच्छे संघ में रहकर संकल्पित होकर दृढ़ता से भगवान की भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा, परम गति प्राप्त हो जाएगी, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल विधि प्रभुपाद जी कहते हैं। बस हमको क्या नहीं भूलना है, हमारा अधिकार नहीं भूलना है। प्रभु सोचिए, कर्तव्य और अधिकार दो बातें होती है संसार में, लोग कर्तव्य सारे भूल जाते हैं, अधिकार कभी नहीं भूलते। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अधिकार। हमारे जैसा कोई मूल व्यक्ति होगा, अधिकार भूलते हैं अपना। तो इस श्लोक में हमको अपना अधिकार भगवान स्मरण करवा रहे हैं। तो अपने अधिकार को स्मरण रखते हुए जो इस श्लोक में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।